हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ दिस चैप्टर। सो टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द पास्ट ईयर पेपर्स एंड ऑल्सो वी विल सी इफ देर इज एनी कॉन्सेप्ट लेफ्ट in this chapter or not. Okay, so today's class is very important. So the first question is, if p by q is minus 2 by 3, if p by q is minus 2 by 3, find the value of 2p plus q by 2p minus q. बताइए कैसे करना है। p by q क्या दिया हुआ है? minus 2 by 3। तो हम लोग p को ले सकते हैं माइनस टू और q को थ्री, पुट करो टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री, टू इंटू माइनस टू माइनस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस फोर माइनस थ्री, माइनस वन बाय माइनस सेवन, वन बाय सेवन आया। यस और नो? यस सर। तो वी सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वी सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे माइनस वन बाय माइनस सेवन को हम लोग वन बाय सेवन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हाँ। ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट मस्ट बी एडेड to each term of the ratio 49:68 so that it becomes 3:4. अपने को ऐसा क्या ऐड करना है इस रेशियो में ताकि मेरा रेशियो क्या बन जाए 3:4। सर एक चीज तो क्लियर है, जो भी ऐड करेंगे ऊपर भी वही ऐड करेंगे, नीचे भी वो ऐड करेंगे। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं बाय द प्रॉब्लम 49 प्लस एक्स बाय 68 प्लस एक्स शुड बी इक्वल्स टू 3/4। यही तो बोला क्वेश्चन में, ऐसा क्या ऐड करेंगे आप 49 एंड 68 से कि आपका रेशियो 3/4 बन जाएगा। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 4 इंटू 49 इज 196 प्लस 4x 204 प्लस 3x और 4x माइनस 3x इक्वल्स टू दिस। सारा x वाले टर्म को एक साथ ले आए तो मेरा x इक्वल्स टू 8 आंसर आ गया। मेरा x इक्वल्स टू 8 आंसर आ गया। मेरा x इक्वल्स टू 8 आंसर आ गया।
बोलिए, क्वेश्चन नंबर टू क्लियर है? यस सर। पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में जाएंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ टू क्लासेस आर इन द रेशियो 5:7। स्टूडेंट्स ऑफ टू क्लासेस आर इन द रेशियो 5:7 इफ 10 स्टूडेंट्स लेफ्ट फ्रॉम ईच क्लास। 10 बच्चे ने दोनों क्लास छोड़ दिया है, हर क्लास से 10-10 बच्चे छोड़ दिए हैं। द रिमेनिंग 10 आर इन द रेशियो ऑफ 4:6। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। अब यहां पर भी ट्विस्ट है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है मतलब ओरिजिनल, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है ना मतलब ओरिजिनल पूछ रहे हैं हमसे। तो मेरे को पता है कि मान लो अगर ये क्लास वन है और ये क्लास टू है, इसमें 5x बच्चे थे, इसमें 7x बच्चे थे, दोनों से -10 कर दो तो अब जो रेशियो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 4:6 का। तो मैं आराम से इक्वेशन बना सकता हूं, मैं आराम से इक्वेशन बना सकता हूं कि 5x-10 by 7x-10 = 4:6। 5x-10 by 7x-10 = 4:6। Therefore, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × 5x-10 = 4 × 7x-10 और 30x-60 = 28x-40 और 30x-28x = -40+60। सॉल्व करिए, 2x = 20 आया, x = 10 आ गया। तो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? 5 × 10 = 50, 7 × 10 = 70। Therefore, number of students in class 1 and class 2 are 50 and 70 respectively. 50 and 70 respectively. यही अगर तुमसे पूछता करेंट सिनेरियो क्या है, तो करेंट सिनेरियो में 1 में होता 40 और 2 में होता 60। यही तुमसे पूछता कि करेंट सिनेरियो क्या है, तो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट होते? यस, क्लास वन में कितने स्टूडेंट होते? 40। -10 हो जाता ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 है? 4 है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 2:5 देन 10a प्लस 3b इज टू 5a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को? सर a को 2 मान लेंगे और b को 5 मान लेंगे, तो 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, 20 प्लस 15 इज टू 10 प्लस 10, 35 इज टू 20, 5 से कैंसिल होगा, 7:4, 5 से कैंसिल होगा, 7:4, 4, क्लियर है इस टाइप का सम? यस सर। बाकी लोग बोले? यस सर। चलिए बढ़िया बात है। नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड, सुना है पहले कभी ये वर्ड कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एंड सब डुप्लीकेट ऑफ a इज टू 9 इज 8:15, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज, यस और नो? अगर रिवाइज करवाएं आपको कॉन्सेप्ट, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज, तो यहां पर क्या बोला है भैया? 4/5 इंटू रूट ए बाई रूट 9 इज इक्वल्स टू 8/15। बोलिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? रूट ए इक्वल्स टू 8/15 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1/4। जो डिनोमिनेटर में थे वो साइड शिफ्ट होगा तो न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, और जो न्यूमिनेटर में थे वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो कैंसल करके रूट ए का वैल्यू 2 आ रहा है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है।
बोलिए। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब 64:125। बोलिए 4 का क्यूब 5 का क्यूब दैट इज 64:125। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होल क्यूब। इफ क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होल क्यूब। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यूब रूट ऑफ सी है ना, इसको वहां ले जाएंगे। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूबिंग करना पड़ेगा। यस और नो? क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस क्यूब रूट ऑफ सी का होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी बोलिए सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी प्लस 3 इंटू ए के पावर में 1/3, बी के पावर में 1/3 इंटू माइनस सी टू द पावर 1/3। क्या लिख सकते हैं, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब, यस और नो? तो अब क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस
थ्री, ए टू द पावर वन बाई थ्री, बी टू द पावर वन बाई थ्री, सी टू द पावर वन बाई थ्री, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है इक्वल्स टू ज़ीरो, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू थ्री ए बी सी का क्यूब। और ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इक्वल्स टू ए बी सी का क्यूब। बट मेरे को वैल्यू किसका पूछा है, इसका क्यूब का पूछा है ना, तो मैं यहां लिखूंगा क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी होल क्यूब इक्वल्स टू ए बी सी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ ए या ए टू द पावर वन बाई थ्री हटाने के लिए क्यूबिंग करना पड़ता है, क्यूबिंग करना पड़ता है। जैसे स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग होता है, वैसे क्यूब हटाने के लिए क्यूबिंग होता है। बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? देखो तुमको क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्यूब रूट दिया हुआ है। यस सर। तो हम लोग क्या किए, सी को वहां ले गए। अब जैसे स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है, वैसे क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूबिंग करना पड़ता है। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब हम लोग को पता है क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी क्या है, क्यूब रूट ऑफ सी माइनस में। हम लोग वैल्यू रिप्लेस किए, सॉल्व किए, सॉल्व करके मेरा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री का वैल्यू आ गया। बट मेरे को क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री का होल क्यूब। तो फिर से मेरे को क्यूबिंग करना पड़ रहा है, तो मेरा आंसर आ जा रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला आप खुद से पहले ट्राई करेंगे। फाइंड सर, यहाँ पर ए टू द पावर वन बाई थ्री कहाँ सा है, कौन सा ए प्लस बी प्लस थ्री इंटू ए टू द पावर वन बाई थ्री इंटू बी इंटू द पावर वन बाई थ्री। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए को ए टू द पावर वन बाई थ्री लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट को पावर में हाफ बोलते हैं। फाइंड थ्री नंबर्स इन द रेशियो 1:2:3 so that the sum of their squares is equal to 504। ऐसा तीन नंबर खोजो जो रेशियो में 1:2:3 हो और जिसका स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर का एडिशन हो 504। तो मेरा रेशियो क्या है, 1, 2, 3। क्या इसको मैं x, 2x, 3x लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर।
अब मेरे को तो एक्स टू एक्स थ्री एक्स नहीं चाहिए, मेरे को इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्यों क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है वो स्क्वायर का दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, तो बाय द प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 504 और 14x स्क्वायर इक्वल्स टू 504 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 504/14 कितना आ रहा है, 504/14 करने से 36 आ रहा है और x इक्वल्स टू 6 तो x 2x 3x 6 12 18 दिस आर द नंबर्स, दिस आर द नंबर्स 6 12 18 दिस आर द नंबर्स, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर, चेक कर लो ना, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 504 होता है या नहीं होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504 बोलिए, यहां तक क्लियर है, यस और नो, यस सर, फाइन, क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 80 इंटू टू पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स। अब एक चीज ध्यान रखो कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेट अस टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा लेट अस टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शन, क्योंकि किसी को भी अगर मैक्सिमम प्रूफ करना है बाय नॉर्मल प्रोसेस तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहां पर बेसिकली दो चीज आपको चेक करना है, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन वन है कि फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट 80 होना चाहिए, विच इज फॉलोड बाय ऑल, तो व्हेन एनी कंडीशन इज फॉलोड बाय ऑल इट बिकम्स इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इस कंडीशन से अब डिसीजन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि x प्लस वाई कर रहे, लेट x बी द फर्स्ट पार्ट y बी द सेकेंड पार्ट, तो x प्लस वाई करने से तो मेरा 80 आ ही रहा है,
तो कंडीशन वन इज इरेलीवेंट. अब हम लोग को क्या करना है, ऑप्शंस का प्रोडक्ट निकालना है. कंडीशन वन एंड टू, मेरे को क्या करना है, ऑप्शंस का प्रोडक्ट निकालना है. ऑप्शंस का प्रोडक्ट निकालना है. तो इसमें प्रोडक्ट आ रहा है 55 इंटू 25 करिए कितना आता है, 1375. यहां करिए 35 इंटू 45, 1575. 15 इंटू 65, 975. 40 इंटू 40, 1600. तो विच इज द हाइएस्ट एबीसीडी में, ऑप्शन बी. एबीसीडी में सबसे हाइएस्ट कौन सा है, ऑप्शन बी. मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया, जब भी ये प्रोडक्ट में मैक्सिमम बोलेगा आपको क्या करना है, नंबर्स, व्हेन द नंबर्स आर इक्वल द प्रोडक्ट विल बी, दो नंबर के केस में, दो नंबर के केस में व्हेन द नंबर्स आर इक्वल द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. दो नंबर्स के केस में व्हेन द नंबर्स आर इक्वल द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. तो यहां जैसे ही मैक्सिमम बोला है, नेक्स्ट बार से हम लोग क्या करेंगे, नंबर को आधा आधा बांट देंगे, यस और नो. इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इफ एक्स इज टू वाई इक्वल्स टू 2:3, देन 5x प्लस 2y इज टू 3x माइनस y इज इक्वल्स टू. कैसे करना है बोलो, x को 3 इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 को पुट कर देंगे. x को क्या पुट करेंगे, 2, और y को 3. पक्का? चलिए ट्राई करता हूं मैं. 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 माइनस 3, 16:3. सबका यही आना चाहिए, 16:3. एवरीवन शुड गेट द आंसर 16:3. तो आप देख रहे हैं, जब हम लोग पास्ट ईयर पेपर का रिव्यू ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू सी दैट ये वाला क्वेश्चन एक बार दो बार, मोटा मोटी दो बार और ये तीन बार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग. तो भले डेटा अलग कर देगा बट मेथड ऑफ प्रोसेस विल बी द सेम. नेक्स्ट, इफ द सैलरी of P is 25% lower than that of Q and
द सैलरी ऑफ आर इज 20% हायर देन दैट ऑफ क्यू. फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ आर एंड पी. बहुत बेसिक सा डेटा दिया हुआ है, बहुत बेसिक सा डेटा दिया हुआ है कि सैलरी पी का क्यू से 25% छोटा है और आर का क्यू से 20% ज्यादा है. तो आप देखिए दोनों को सैलरी, दोनों के सैलरी को किससे कंपेयर किया गया है, क्यू से, हाँ या ना? तो अगर क्यू के सैलरी को मैं 100x पकड़ू तो क्या मैं बोल सकता हूं पी का सैलरी इज 75x और आर का सैलरी इज 120x? बोलिए, अगर मैं क्यू के सैलरी को 100x पकड़ रहा हूं तो पी का सैलरी तो 25% लोअर है ना, तो 100x से 25% घटा दीजिए, 75x आएगा. और सिंस आर का सैलरी 20% ज्यादा है तो आप 20% बढ़ा दीजिए, 120x आएगा. तो R इज टू P क्या हो जाएगा, 120x इज टू 75x, 8 इज टू 5. आपको हमेशा बेसिस ऑफ कंपैरिजन देखना पड़ेगा, आपको हमेशा बेसिस ऑफ कंपैरिजन देखना पड़ेगा. बोलिए, क्लियर है सबको? आगे बढ़े. बोल रहा है एक इंसान के पास में एसेट्स है 1,48,200 रुपया का, उसको डिवाइड करना है वाइफ, सन और डॉटर में. उसको किस में डिवाइड करना है, वाइफ, सन एंड डॉटर में, इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? यस सर. पक्का? तो प्रोसेस क्या था, सबसे पहले टर्म्स को प्लस कर, रेशियो का जो टर्म्स है सर उसका टोटल निकाला जाता है ऐसे, उसके बाद वाइफ 3/6 इंटू 148,200 कितना आ रहा है, 74,100 आ रहा है. सॉल्व करके देखो तो 1,48,200 इंटू 3/6, 74,100 आ रहा है. सन का क्या हो जाएगा, 2/6 इंटू 148,200 कितना आ रहा है सॉल्व करके, 49,400 आ रहा है क्या, सबका आ रहा है.
148,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 नेक्स्ट इज डॉटर 1/6 इंटू 148,200 1/6 इंटू 148,200 सॉल्व करिए कितना आ रहा है बताइए 148,200 को डिवाइडेड बाई 6 करेंगे इट इज कमिंग टू 24,700 ये टोटल कर यस सर जो वाइफ का शेयर है वो 7,400 नहीं आएगा 74,130 नहीं कैसे आ रहा है आपका आप क्या किए 1,48,200 डिवाइड बाय 6 करो तो आपका 24,700 आएगा इनटू 3 करो ओके ओके सर यस ठीक है ना तो मेरा एसेट आ गया बोलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जाएं यस सर चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में एक सेकंड टाइम दीजिएगा For 3 months, the salary of a person are in the ratio 2:4:5. 3 महीने का सैलरी का रेशियो दिया हुआ है तो for 3 months, salary of a person आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:5 इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ एंड द लास्ट 2 मंथ इज $4,80,000 मतलब बोल रहा है फर्स्ट मंथ इनटू सेकेंड मंथ एंड सेकेंड मंथ इनटू थर्ड मंथ ऑब्वियस बात है रेशियो देख के पता ही है ज्यादा होगा और ये कम होगा हाँ या ना क्योंकि रेशियो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है ना तो पहला महीना में उसका सैलरी 2x दूसरा महीना में 4x तीसरा महीना में 5x ठीक है तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 4,80,000 हम लोगों को क्या निकालना है सेकेंड मंथ का सैलरी हम लोगों को क्या निकालना है सेकेंड मंथ का सैलरी 3 महीने का सैलरी दिया हुआ है 2:4:5 तो जब हम लोग आंसर में स्टार्ट करेंगे तो M1 M2 M3 2x 4x 5x ये दिया हुआ है हम लोग को ठीक है बाय द प्रॉब्लम
4x into 5x minus 2x into 4x is equals to 480,000 is equals to 480,000. सॉल्व करिए तो 20x square minus 8x square equals to 480,000 और x square equals to 480,000 by 12. 20x square minus 8x square कितना होता है? 20x square minus 8x square कितना होता है? Anyone in the class? 12x square होता है. तो ये 40,000 आ रहा है. 40,000 का square root कितना होता है? 20,000. पगला हो गया तुम. 40,000 का square root 20,000 होगा. 40,000 का square root कितना है? 200 आ रहा है. ना ना कुछ गड़बड़ हुआ है. कितना आ रहा है? 40,000 का स्क्वायर रूट 200 आ गया. तो सेकेंड मंथ का सैलरी कितना होगा? 4 इंटू 200 800. सेकेंड मंथ का सैलरी 4 इंटू 200 800. यहां पर x क्या डिनोट कर रहा है? यहां पर x क्या डिनोट करता है? सैलरी सर का कांस्टेंट क्वांटिटी जिससे मल्टीप्लाई किए हम लोग, क्योंकि हम लोग 2x 4x 5x तक के सम को आगे बढ़ाए हैं ना. ठीक है. अगर तुमसे पूछता फाइंड द सैलरी ऑफ ऑल द 3 months, तो फर्स्ट में कितना आता? 2x डेट इज 400. सेकेंड में कितना आता? 4x डेट इज 800. और थर्ड में कितना आता? 5x दैट इज 1,000. रुपीज का साइन देना मत भूलिए. क्या बोला बेटा? पढ़ो क्वेश्चन को, तुम खुद ही पढ़ लो एक बार फिर से. क्वेश्चन को क्या बोला पढ़ो. कितना महीना का सैलरी दिया तुमको? हाँ हेलो. 3 महीने का सैलरी दिया है ना तुमको रेशियो में. तो हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे ना कि अगर a इज टू b 2 इज टू 3 है, तो या तो a को 2 b को 3
या a को 2x, b को 3x ले सकते हैं। तो यहां पर मेरे को क्या दिया हुआ है, a is to b is to c दिया हुआ है, 2 is to 4 is to 5। तो मैंने पहला मंथ के सैलरी को क्या लिया है, 2x लिया है, 4x लिया है, 5x लिया है। अब बोल रहा है इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका जो डिफरेंस है वो 4,80,000 है। सिंस द पोर्शन ऑफ सैलरी इज मोर इन सेकेंड एंड थर्ड मंथ, तुम्हारा ये बड़ा होगा और इसका प्रोडक्ट छोटा होगा, इसीलिए हम लोग जब प्रॉब्लम बना रहे हैं, हम लोग कैसे बना रहे हैं, सेकेंड मंथ इंटू थर्ड मंथ माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, सॉल्व करो एक्स का वैल्यू आएगा। अब तुमको सेकेंड मंथ का सैलरी पूछा है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कल को मान लो तुमको पूछता है कि तुम तीनों महीना का सैलरी निकालो, तो एक एक करके हम तीनों महीना का सैलरी निकालते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक्स वाई जेड टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्टार्ट्स अ बिजनेस, ठीक है। एक्स इन्वेस्ट 3 times एज मच एज वाई, एक्स इन्वेस्ट 3 times एज मच एज वाई। तो मैं बोल सकता हूं x इक्वल्स टू 3y, therefore x by y इक्वल्स टू 3/1, और वी कैन से x इज टू y इक्वल्स टू 3:1। बोलिए क्वेश्चन के इस लाइन से क्या मैं x इक्वल्स टू 3y लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। ये तो क्वेश्चन में ही बोला है ना कि y जितना इन्वेस्ट करेगा किया है, x उसका 3x इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, y इन्वेस्ट 2/3 ऑफ z, y इन्वेस्ट 2/3 ऑफ z, तो मैं y इक्वल्स टू 2/3 ऑफ z लिख सकता हूं, और y by z equals to 2/3, yes or no? क्वेश्चन में बोला है find x is to y is to z, find x is to y is to z, क्या हम लोगों को निकालना आता है? अगर x is to y पता रहे तो क्या हम लोग y is to z निकाल लेंगे क्या? यस सर। पहले तो हम लोग को तरीका से लिखना होगा वरना भूल हो जाएगा। x is to y is 3:1 and y is to z is 2:3। तो x is to y is to z is पहला पहला, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा। तो पहला पहला मींस फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इनटू फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रेशियो, दूसरा पहला मतलब सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इनटू फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रेशियो इज टू सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इनटू सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड रेशियो, 6:2, 2:3। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड दिया हुआ है।
बोलिए, यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग विच यू वांट टू से? नो सर। पक्का ना? यस। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो ये सब चीज पे ध्यान देना हम लोग को, स्पेसिफिकली वर्ड प्रॉब्लम्स पे। विल डू क्वेश्चन नंबर 15। This is a bag. ₹1, ₹2, ₹5. ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स पता है हम लोग को कितना है? 23। नंबर ऑफ कॉइन्स बोल दिया 23, ठीक है, और इसका वैल्यू भी बता दिया हम लोग को, ₹43। 23 कॉइन्स है जिसका वैल्यू है ₹43। अब हम लोग को बोल रहा है 1:2 का रेशियो है 3:2। 1:2 का रेशियो में तुम्हारा 3:2 के रेशियो में कॉइन है, ठीक है? तो सर ₹1:₹2 इज 3:2। फाइंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। फाइंड नंबर ऑफ वन रुपी कॉइन। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना तुम लोग बस, खाली मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, तुम लोग ध्यान से सुनना। देर आर टोटल ऑफ 23 कॉइन्स ऑफ 1, 2 and 5 इन अ बैग। If their value is 43 and the total and the ratio of coins of rupees 1 and 2 is 3:2, find the number of coins of rupee 1. तो सबसे पहले मेरे को बनाना है कॉलम रुपी 1 का, रुपी 2 का, रुपी 5 का। इसको हम 3x लिख सकता है, इसको हम 2x लिख सकता है, क्या इसको हम 23-5x लिख सकता है? क्योंकि एक रुपया और दो रुपया का कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, तो लेट द 1 रुपी कॉइन बी 3x, 2 रुपी कॉइन बी 2x, दोनों मिला के 5x हो गया। अब टोटल में नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 23, ठीक है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया 3x को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 रुपया के कॉइन का वैल्यू आ जाएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 रुपये के कॉइन का वैल्यू आ जाएगा, और 23-5x को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका 5 नंबर वाले कॉइन का वैल्यू आ जाएगा। तीनों मिला के अल्टीमेटली होना तो 43 है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। और 3x प्लस 4x प्लस 115 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 43। हाँ या ना? यस सर। और 115 माइनस 18x इज इक्वल्स टू 43, और सॉल्व करेगा तो 18x इक्वल्स टू 72 आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 4। क्या पूछा था हम लोग से?
नंबर ऑफ रुपी वन कॉइन 3x ना, तो 3 into 4 12 एक रुपया का कॉइन 12 टोठा, 2 रुपया का कॉइन 4 टोठा, 8 टोठा और 5 रुपया का कॉइन 12 + 8 = 20 तो 3 पीस था। 5 नंबर वाला कॉइन 3 पीस था, 5 नंबर वाला कॉइन 3 पीस था। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इस सब में? पक्का? यस सर। नेक्स्ट सम बहुत आसान सा है, ए इज टू बी दिया हुआ हम लोग को 2:3, बी इज टू सी दिया हुआ हम लोग को 4:5 और हम लोग को सी इज टू डी पता है 6:7। फाइंड ए इज टू डी, फाइंड ए इज टू डी कैसे निकलेगा? ए बाई डी क्या लिखे फॉर्मूला में? ए बाई डी के लिए ए बाई डी के लिए क्या लिखे फॉर्मूला में? ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 कितना आ रहा है? करो फोर्टी एट आ रहा है ऊपर में। सिक्सटीन इज टू 35 आ रहा है। 16:35 ऊपर में 3 2 6 कट रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है। बोलिए यहां तक सभी का क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप लोग ये 16 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए। आप लोगों को रेगुलर डॉक्यूमेंट मिल रहा है जो भी मेरा क्लास नोट्स? यस। जो भी लाइव क्लास में मैं लिखाता हूं ये पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाता है, हाँ या ना? ठीक है, मैं बात कर लूंगा, पीडीएफ आ जाना चाहिए। जो भी मैं लिखता हूँ ना ये मैं सेव करके पीडीएफ वर्जन में दे देता हूँ, मे बी एक साथ अपलोड करेंगे वो लोग। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलिए बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।